ये एक बहुत पुराना हॉस्पिटल है और लोगों का कहना है कि इसके अंदर जो भी जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता, क्योंकि यहां पर एक पागल खूनी रहता है और गुल्ली बुल्ली आज इसी हॉस्पिटल में जाने वाले हैं। गुल्ली बुल्ली आज अपनी गाड़ी की मरम्मत कर रहे हैं और ये दोनों गाड़ी ठीक करने के बाद शॉन को लेकर लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले हैं। बुल्ली गाड़ी के नीचे से निकल के कहता है कि ये चीज तो मुझसे ठीक ही नहीं हो रही गुल्ली, मुझे लगता है कि इसको बनवाने के लिए हमें शहर लेकर जाना पड़ेगा। गुल्ली कहता है कि एक बार और कोशिश करके देखो बुल्ली, क्योंकि इसके बाद हमें शॉन को भी लेने जाना है और मैंने तो सुना है कि शॉन के पापा ने शॉन की बड़ी पिटाई भी की है, चलो हम दोनों भी वहां थोड़ा हाथ साफ कर लेंगे। बुल्ली कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसको ठीक करके ही रहूंगा गुल्ली, मैं बस यूं गया और यूं आया। अभी गुल्ली बुल्ली का ये सब चल ही रहा था कि तभी एक लड़का इनके पास दौड़ते हुए आता है और ये काफी परेशान भी लग रहा है। उस लड़के को अपने पास देखकर गुल्ली कहता है कि तुम कौन हो छोटू और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वो लड़का गुल्ली से कहता है कि गुल्ली बुल्ली मैं शॉन का दोस्त हूँ और मेरा नाम जॉर्ज है। दरअसल बात यह है कि मैं और शॉन एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे और हम दोनों फुटबॉल खेलते खेलते बहुत आगे तक पहुँच चुके थे और हम दोनों फुटबॉल खेलते खेलते उस पुराने हॉस्पिटल तक पहुँच गए और तभी हमारा फुटबॉल उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया और मेरे बहुत मना करने के बाद भी शॉन नहीं माना और बॉल लेने उस हॉस्पिटल के अंदर चला गया और गुल्ली बुल्ली उसको अभी काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तक शॉन वहाँ से बाहर नहीं निकला है, 1 घंटे होने को हैं और मैंने लोगों से ये भी सुना है कि जो भी उस हॉस्पिटल के अंदर आज तक गया है वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। बुल्ली कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो जॉर्ज, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि वो शॉन ही था? क्योंकि शॉन से तो हमने कहा था कि वो घर पर ही रहे, क्योंकि हम उसे लेने आ रहे हैं, हमें घूमने जाना था। कि हाँ बुल्ली, शॉन ने मुझे बताया था और मेरे साथ खेलने के बाद वो घर ही जाने वाला था। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई बुल्ली, हमें तुरंत ही उस हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा, क्या पता शॉन कहाँ और कैसा होगा। बुल्ली जॉर्ज से कहता है कि तुम भी हमारे साथ गाड़ी में बैठो छोटू और हमें उस हॉस्पिटल तक ले चलो। और गुल्ली बुल्ली उस लड़के को गाड़ी में बैठाकर चल देते हैं हॉस्पिटल की तरफ। बुल्ली ने उस लड़के से पूछा कि शॉन को कितनी देर हुए होंगे उस हॉस्पिटल में गए हुए छोटू, तो जॉर्ज कहता है कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गए होंगे बुल्ली। गुल्ली ने कहा कि गलती तुम दोनों की ही है और सबसे बड़ी गलती तो शॉन की है, आजकल बहुत हीरो बनते फिरता है वो, लेकिन बच्चा ही है अभी। बुल्ली कहता है कि तुम लोगों को उस हॉस्पिटल की तरफ जाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी अंधेरा हो चुका है। तो जॉर्ज कहता है कि उस वक्त अंधेरा नहीं हुआ था बुल्ली, वो तो बस हमारी बॉल उसमें चली गई। खैर तुम गाड़ी तेज भगाओ, कहीं शॉन को कुछ हो ना जाए। और बस थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली उस हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। ये हॉस्पिटल देखने में बहुत भयानक है और उस हॉस्पिटल को देखने के बाद बुल्ली कहता है कि ये क्या बला है गुल्ली, मुझे ये हॉस्पिटल तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, ये भूतिया घर ज्यादा लगता है मुझे। तो पीछे बैठा वो लड़का कहता है कि केवल लग ही नहीं रहा गुल्ली बुल्ली, लोग कहते हैं कि ये हॉस्पिटल सच में भूतिया है, इसलिए तो यहां कोई आता नहीं, लेकिन आज इसका पर्दाफाश कर दो तुम लोग
तुम लोगों को आज इसके अंदर जाना होगा। गुल्ली कहता है कि तुम लोगों से क्या मतलब है तुम्हारा, तुम भी हमारे साथ इस हॉस्पिटल में चलोगे और तुम्हें चलना ही होगा। तो जॉर्ज कहता है कि गुल्ली बुल्ली मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। बुल्ली ने कहा कि ठीक है फिर अकेले ही रहो तुम यहाँ, हम जा रहे हैं इसके अंदर। अगर कोई जानवर या भूत यहाँ आ जाए तुम्हारे पास तो तुम देख लेना अपना। तो जॉर्ज कहता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ। और गाड़ी से उतरकर ये तीनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। जॉर्ज कहता है कि ये देख रहे हो गुल्ली बुल्ली, कितना डरावना है ये हॉस्पिटल। अगर शॉन यहां फंसा ना होता तो मैं यहां बिल्कुल नहीं आता, लेकिन ये बस शॉन के लिए मेरी दोस्ती है जो मुझे यहाँ तक खींच लाई है। गुल्ली कहता है कि बात तो सही है छोटू, अब चलो ये बताओ कि शॉन हॉस्पिटल के अंदर गया कैसे था, मतलब यहाँ का दरवाजा तो बंद है, तो फिर कैसे गया शॉन इसके अंदर। तो जॉर्ज कहता है कि वो देखो गुल्ली, वहाँ एक सीढ़ी लगी है और ऊपर वो खिड़की दिख रही है तुमको, वहीं से हमारी बॉल अंदर गई थी और शॉन इसी सीढ़ी से चढ़कर उस खिड़की के अंदर गया था। गुल्ली बुल्ली और वो लड़का सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे ही ऊपर एक कमरे में पहुंचते हैं तो वहां उन्हें हर जगह खून ही खून दिखाई देता है, और खून के निशान आगे के कमरे की ओर जा रहे थे। तभी गुल्ली बुल्ली की नजर अपने एक साइड में पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई राक्षस एक इंसान की डेड बॉडी खा रहा है, और अरे ये क्या, उसने तो गुल्ली बुल्ली को देख लिया है। गुल्ली बुल्ली और वो लड़का उस राक्षस को देख रहे होते हैं और वो राक्षस भी इनको देख लेता है, लेकिन अभी ये तीनों कुछ समझ पाते कि तभी वो राक्षस इनकी तरफ कूद पड़ता है और गुल्ली बुल्ली तुरंत ही वहां से हट जाते हैं, लेकिन बेचारा वो लड़का जॉर्ज नहीं भाग पाता है और वो राक्षस जॉर्ज को ही मारने लगता है। गुल्ली बुल्ली ये सब देख रहे होते हैं, ये लोग बहुत डर चुके हैं और इन्हें जॉर्ज के लिए बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि ये दोनों इस वक्त उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तभी वो राक्षस जॉर्ज को लेकर उस सुरंग में जाने लगता है। और बेचारे गुल्ली बुल्ली बस देख ही सकते थे, और उनकी आंखों के सामने ही उनका एक साथी उस राक्षस का शिकार हो गया। गुल्ली कहता है कि अब क्या करें बुल्ली, ये राक्षस तो जॉर्ज को ले गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। बुल्ली कहता है कि हमें सब कुछ प्लान करके आना चाहिए था गुल्ली,
ये हमारी ही गलती है कि हमने पहले सब कुछ चेक नहीं किया और बस घुस गए इधर। गुल्ली कहता है कि क्या वो उसे मार देगा बुल्ली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर वो लड़का हमारी वजह से मर गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। बुल्ली कहता है कि हम कुछ भी तो नहीं कर सकते थे ना गुल्ली, अभी सिर्फ एक ही तरीका है सब कुछ ठीक करने का, हमें इस राक्षस का सामना करना होगा। गुल्ली कहता है कि एक काम करते हैं बुल्ली, हम दोनों अलग हो जाते हैं, तुम सुरंग में उस राक्षस का पीछा करते हुए जाओ और मैं इधर शॉन को अंदर ढूंढने जाता हूँ, और अगर तुम्हें जॉर्ज कहीं मिल जाता है तो बाहर निकलकर गाड़ी के पास चले जाना, और अगर मुझे इधर शॉन मिल जाता है तो मैं चला जाऊंगा बाहर। बुल्ली कहता है कि ये बिल्कुल सही है गुल्ली, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं, सारा काम खत्म करते हैं, यहाँ अंदर मुझे घुटन सी भी हो रही है। और गुल्ली बुल्ली दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बुल्ली उस सुरंग के छोर पर आ जाता है और सुरंग के बाहर ही एक रूम था जहां टेबल पर वो लड़का जॉर्ज लेटा हुआ था। बुल्ली सोचता है कि लगता है वो राक्षस इसे यहीं रखकर बाहर चला गया है, और बुल्ली को ये सही मौका लगता है जॉर्ज को यहां से लेकर के बाहर जाने का। और इधर गुल्ली शॉन को ढूंढते हुए एक कमरे में जाता है। गुल्ली वहां देखता है कि उस कमरे में बहुत सी लाशें हैं। लेकिन गुल्ली को शॉन कहीं भी नहीं मिलता वहां, और गुल्ली धीरे धीरे उस कमरे से आगे बढ़ जाता है, और फिर गुल्ली के सामने एक और रूम आता है। गुल्ली अब इस दूसरे कमरे के अंदर जाता है। उस कमरे में सिर्फ एक ही बेड था और उस बेड पर भी एक लाश थी। गुल्ली उस बेड के पीछे देखने के लिए जाता है और अरे ये क्या, अपना पॉटी बॉय शॉन तो यहीं बैठा हुआ है। गुल्ली कहता है कि अरे वाह शॉन, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम मुझे मिल ही गए, पहली बार मैं तुम्हें देखकर इतना खुश हो रहा हूँ, कैसे हो तुम, ठीक तो हो? शॉन कहता है कि अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुल्ली, लेकिन कब तक ठीक रहूँगा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो गुल्ली कहता है कि कैसी बात कर रहे हो शॉन, अब तो मैं आ चुका हूँ तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। शॉन कहता है कि वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस हॉस्पिटल में बहुत सारे अजीब राक्षस रहते हैं और उनका असली वाला बॉस मुझे ही ढूंढ रहा है, इसीलिए तो मैं इधर इस कोने में छुप के बैठा था। गुल्ली तुम्हें क्या लगता है, क्या हम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाएंगे, और गुल्ली क्या तुम यहाँ अकेले आए हो? गुल्ली ने कहा कि तुम्हारे दोस्त ने हमें बताया था शॉन कि तुम यहाँ इस जगह फंस चुके हो, लेकिन जब हम यहाँ आए तो एक राक्षस ने हम पर हमला कर दिया और तुम्हारे उस दोस्त को लेकर चला गया, और बुल्ली उसी राक्षस का पीछा करते हुए गया है, शायद ही वो तुम्हारे उस दोस्त को बचा पाए।
गुल्ली कहता है कि चलो शॉन, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। लेकिन तभी किसी के कदमों की आवाज आने लगती है। अरे ये तो डॉक्टर डी है। गुल्ली और शॉन बेड के पीछे ही छुपे होते हैं। शायद डॉक्टर डी को अभी इनके बारे में पता नहीं है कि ये दोनों इसी कमरे में छुपे हैं। गुल्ली और शॉन बहुत घबराए हुए हैं। शॉन कहता है कि ये वही डॉक्टर है गुल्ली, जिसकी वजह से यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई नहीं आता। यही है जो यहाँ आने वाले हर इंसान पर एक्सपेरिमेंट करता है और उन्हें मार देता है। गुल्ली कहता है कि क्या तुम इसी से छुप रहे थे शॉन? और क्या ये तुम्हें पहले देख चुका है? क्या तुम इसे मिल चुके हो पहले? शॉन कहता है कि हाँ गुल्ली, और मैं कैसे भी बचते बचते यहां पर छुपा था। गुल्ली कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए शॉन, कहीं ये हमें देख ना ले। गुल्ली और शॉन बेड को पलटकर तुरंत वहां से भागते हैं। और ये दोनों बाहर की ओर आने लगते हैं। और लगता है वो डॉक्टर अभी बेहोश हो गया है। बाहर आते ही ये दोनों देखते हैं कि बुल्ली उस लड़के के साथ उस सुरंग के बाहर ही खड़ा है। लगता है ये अभी अभी सुरंग से बाहर निकल कर आए हैं। लेकिन अरे ये क्या, बुल्ली को आखिर ये क्या हो गया है? इसकी हालत तो बहुत खराब लगती है। बुल्ली की ऐसी हालत देखकर शॉन और गुल्ली दोनों के तो होश उड़ चुके हैं। गुल्ली कहता है कि ये क्या हाल हो गया है तुम्हारा बुल्ली, ये कैसे और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो लड़का जॉर्ज गुल्ली से कहता है कि गुल्ली ये सब उस राक्षस ने किया है। दरअसल बुल्ली जब मुझे बचाने वहां पहुंचा तो उस राक्षस ने बुल्ली को भी पकड़ लिया था और उसी राक्षस ने ही बुल्ली को काट लिया। उसी की वजह से बुल्ली का ये हाल हुआ है। लेकिन उस राक्षस को बहुत मारा है बुल्ली ने, और तब जाके हम दोनों वहां से बाहर निकल आए। गुल्ली कहता है कि मुझे माफ करना बुल्ली, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम बाबा के पास चलकर इसका इलाज करा लेंगे। बुल्ली कहता है कि वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन तुम बताओ कि तुम दोनों तो ठीक हो ना? और शॉन को सही सलामत देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शॉन कहता है कि मेरी वजह से ही तुम सभी लोगों का ये हाल है, तुम सब मेरी वजह से ही मुसीबत में पड़े हो, मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। बुल्ली कहता है कि अभी ये बात करने का समय नहीं है, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए गुल्ली। गुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, वो डॉक्टर डी भी कभी भी आ सकता है यहाँ, हमने उसे अभी केवल बेहोश किया है, वो कभी भी होश में आ सकता है। तो वो लड़का जॉर्ज कहता है कि मेरा घर यहीं पास में ही है गुल्ली बुल्ली, हमें वहीं चलना चाहिए, मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूँ, हम सभी लोग वहाँ आराम से रुक सकते हैं। और ये चारों लोग उस खिड़की से हॉस्पिटल के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है कि तुम्हारा घर यहां से कितनी दूर है जॉर्ज? तो शॉन ने इस बात का जवाब दिया
कि इसके घर मैं गया हूँ गुल्ली, बस 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। बुल्ली कहता है कि जल्दी से इसके घर ले चलो गुल्ली, मेरी तबीयत मुझे थोड़ी खराब लग रही है, शायद उसके काटने का असर हो रहा है, मुझे आराम करना है, जल्दी चलो। और ये लोग गाड़ी में बैठकर उस लड़के जॉर्ज के घर जाने लगते हैं। जॉर्ज कहता है कि गाड़ी तेज चलाओ ना गुल्ली, ऐसे बुल्ली की तबीयत और खराब हो रही है। बुल्ली कहता है कि हाँ बुल्ली, जल्दी चलो, मेरी तबीयत और खराब हो रही है। गुल्ली कहता है कि हाँ बस थोड़ी देर और बुल्ली, हम बस थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे जॉर्ज के घर। बुल्ली कहता है कि गुल्ली अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, कहीं मैं भी उस राक्षस के जैसे बन गया तो क्या होगा। शॉन कहता है कि फालतू की बातें मत ही करो बुल्ली, तुम्हें ठीक करने के लिए तो मैं पाताल तक जा सकता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा दोस्त शॉन अभी जिंदा है। बुल्ली कहता है कि बात ये नहीं है शॉन, मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि बाबा कहीं मुझे पहचान ना पाए और मुझे ही राक्षस समझकर मुझे मारने लगे तो क्या होगा, बाबा तो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे मुझे मारने में। गुल्ली कहता है कि बुल्ली ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तभी शॉन को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे से कुछ हलचल हो रही है और शॉन पीछे मुड़ता है, और शॉन ने जो देखा उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है जो इनकी तरफ ही भाग रहा है, और बुल्ली के पीछे तो ये डॉक्टर डी भाग रहा है, लेकिन बुल्ली तो इनके साथ गाड़ी में है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके साथ वाला बुल्ली बुल्ली नहीं बल्कि वो राक्षस है। शॉन को अपनी आंखों पर अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि वो बुल्ली को अपने आगे और पीछे दोनों जगह देख पा रहा है। शॉन को ये सोचकर तो और भी डर लग रहा है कि इन दोनों में से असली बुल्ली कौन सा है, क्योंकि अगर गाड़ी में बैठा हुआ बुल्ली नकली हुआ तो शॉन के शक करने पर शायद वो इन लोगों पर हमला कर दे, इसलिए शॉन की बोलती बंद है अभी। तभी शॉन के पास बैठा वो लड़का जॉर्ज शॉन से कहता है कि तुम पीछे मुड़कर क्यों बैठे हो शॉन, और तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं। तो शॉन जॉर्ज से कहता है कि एक बार पीछे मुड़कर तो देखो जॉर्ज, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। और जॉर्ज जैसे ही पीछे मुड़ता है कि तभी इसके भी होश उड़ जाते हैं। ये दोनों बिल्कुल हक्के बक्के हो चुके हैं। शॉन जॉर्ज से कहता है कि होश उड़ गए ना जॉर्ज तुम्हारे भी, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या ये कोई सपने जैसा नहीं लगता। जॉर्ज कहता है कि शॉन तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन तुम अभी ये बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, अभी इन दोनों में से असली बुल्ली कौन है, तुम बोलो तो मैं गुल्ली से गाड़ी रुकने को बोलता हूं। शॉन कहता है कि नहीं जॉर्ज, गाड़ी मत रुकवाना, क्या पता अपने साथ वाला बुल्ली ही असली हो और ये जो हमारे पीछे आ रहा है वो राक्षस हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन असली है और कौन नकली, और क्या करूं मैं अभी। तभी इन लोगों को बात करते हुए गुल्ली सुन लेता है और कहता है कि तुम लोग आपस में क्या बातें कर रहे हो जॉर्ज और शॉन, मुझे भी तो बताओ। तो शॉन कहता है कि अरे नहीं नहीं गुल्ली, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। तभी वो पीछे से भाग रहा बुल्ली शॉन को आवाज लगाता है
और कहता है कि शॉन गुल्ली से बोल के जल्दी गाड़ी रुकवाओ, वो जो तुम्हारे साथ बैठा है वो नकली बुल्ली है, मैं असली हूँ, जल्दी मुझे गाड़ी में बैठा लो नहीं तो ये डॉक्टर डी मुझे मार देगा, ये मुझे हॉस्पिटल से ही दौड़ा रहा है। लेकिन शॉन अभी गुल्ली से कुछ कह पाता कि तभी पता नहीं क्यों गुल्ली गाड़ी तेज चलाने लगता है और डॉक्टर डी और वो बेचारा बुल्ली पीछे ही छूट जाते हैं। और चलते चलते ये लोग आखिरकार एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। ये जगह शायद खाली लगती है, यहां कोई नहीं दिख रहा। लेकिन ये लोग आखिर यहां करने क्या आए हैं? शॉन गुल्ली से कहता है कि हम यहां क्यों आए हैं गुल्ली, हम लोग तो जॉर्ज के घर जाने वाले थे। तो शॉन का जवाब देते हुए गुल्ली कहता है कि शॉन बुल्ली ने मुझे यहीं रुकने को कहा है क्योंकि बुल्ली को आराम करना है, बुल्ली की तबीयत काफी खराब हो रही है। लेकिन असलियत तो शॉन और जॉर्ज दोनों को ही पता थी कि बुल्ली एक नहीं बल्कि दो दो हैं और उन दोनों में से कोई एक ही असली है और दूसरा राक्षस है। शॉन को अब शक हो रहा है कि इनके साथ वाला बुल्ली ही नकली है क्योंकि वो इन्हें ऐसी जगह पर लेकर आया है। जॉर्ज कहता है कि मेरा घर बस यहां से थोड़ी दूर पर ही था गुल्ली, बस 10 किलोमीटर बाकी होंगे यहां से। बुल्ली कहता है कि तुम लोगों को यहां रुकना हो तो रुको नहीं तो तुम लोग जा सकते हो। और गुल्ली बुल्ली दोनों पीछे मुड़कर जाने लगते हैं और ना चाहते हुए भी शॉन और जॉर्ज भी उनके पीछे जाने लगते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है। और इधर डॉक्टर डी इन लोगों को ढूंढता हुआ यहां तक आ चुका है और डॉक्टर डी इनकी गाड़ी को देखकर रुक जाता है और अपने आसपास में देखने लगता है। लेकिन डॉक्टर डी के साथ तो दूसरा बुल्ली भी था जो इसके आगे भाग रहा था, वो आखिर कहां चला गया है? तभी शॉन ऊपर खड़े डॉक्टर डी को देख लेता है और तुरंत गुल्ली से कहता है कि डॉक्टर डी यहां भी आ गया है गुल्ली, जल्दी सभी लोग अंदर चलो और छुपो जहां भी जगह मिलती है। और शॉन गुल्ली और वो लड़का जॉर्ज अंदर चले जाते हैं। लेकिन अरे ये बुल्ली अंदर क्यों नहीं जा रहा? अरे ये तो बुल्ली नहीं, वो राक्षस है। यानी कि शॉन का शक बिल्कुल सही था। गुल्ली जॉर्ज और शॉन अपनी आंखों के सामने बुल्ली को उस राक्षस में बदलते हुए देखकर इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि इनके सामने ये क्या हुआ। वो राक्षस इन लोगों को इस तरीके से हक्का बक्का देखकर काफी खुश हो रहा है और हंसे जा रहा है। और इधर डॉक्टर डी भी नीचे कूदने को तैयार हो जाता है। बेचारे गुल्ली और शॉन को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये तीनों लोग डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ते हैं और अंदर की तरफ भागने लगते हैं।
जॉर्ज कहता है कि अब जल्दी बताओ हमें क्या करना चाहिए बुल्ली और शॉन। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने टाइम से हम एक राक्षस के साथ घूम रहे थे। शॉन कहता है कि गुल्ली तुमसे एक बात छुपाई है हमने। जब हम लोग रास्ते में थे और तुम गाड़ी चला रहे थे, तब मैंने और जॉर्ज ने एक ऐसी चीज देखी जिस पे तुम यकीन नहीं कर पाओगे। गुल्ली कहता है कि क्या कहना चाहते हो तुम शॉन, और अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसी वक्त मुझे क्यों नहीं बताया। शॉन कहता है कि उस वक्त बताना बहुत खतरनाक था गुल्ली। जॉर्ज हमने क्या देखा था ये तुम ही गुल्ली को बताओ। तो जॉर्ज कहता है कि गुल्ली जब हम लोग गाड़ी पे थे तो हमने देखा कि बुल्ली हमारी जीप के पीछे पीछे भाग रहा था और डॉक्टर डी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन एक बुल्ली तो हमारे साथ गाड़ी में बैठा था, यानी दो दो बुल्ली देखे थे हमने। तो जॉर्ज की ये बात सुनकर गुल्ली को सारी बात समझ में आ जाती है। गुल्ली कहता है कि वही असली बुल्ली था शॉन और जॉर्ज, और उसी वक्त उस राक्षस वाले बुल्ली ने मुझे गाड़ी तेज चलाने को कह दिया था। शॉन कहता है कि हाँ गुल्ली, और इसी वजह से वो बुल्ली और डॉक्टर डी पीछे ही छूट गए थे। जॉर्ज कहता है कि डॉक्टर डी तो यहां तक पहुंच गया है शॉन, लेकिन फिर अपना बुल्ली कहाँ है। गुल्ली कहता है कि वो जहां भी होगा ठीक होगा जॉर्ज, फिलहाल तो ये सोचो कि हमें अभी कहां जाना चाहिए। जॉर्ज कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इधर जाना चाहिए शॉन और गुल्ली, आओ मेरे पीछे। लेकिन अरे ये रास्ता तो बाहर की तरफ जाता है। तभी ये लोग बाहर देखते हैं कि वो राक्षस अभी तक वहां बाहर ही खड़ा है। लगता है डॉक्टर डी अभी तक आया नहीं है नीचे। लेकिन तभी डॉक्टर डी उस राक्षस के पास ही कूद जाता है, और शायद ये लोग अब कुछ बातें कर रहे हैं। जॉर्ज, गुल्ली और शॉन उन दोनों को बात करते हुए देख रहे थे। गुल्ली कहता है कि लगता है ये दोनों हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं जॉर्ज और शॉन। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो गुल्ली का जवाब देते हुए जॉर्ज कहता है कि डर तो मुझे भी लग रहा है गुल्ली, लेकिन मुझे लगता है कि बुल्ली यहां जरूर आता ही होगा हमारे लिए। शॉन कहता है कि लेकिन उसे पता कैसे चलेगा गुल्ली कि हम लोग यहां पर फंसे हुए हैं, हम उसे बताकर तो आए नहीं हैं यहां। तो गुल्ली कहता है कि बस इंतजार करो शॉन, हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। भगवान का शुक्र मनाओ कि अभी तक हम सभी लोग जिंदा हैं और सही सलामत हैं। लगता है ये तीनों बहुत डरे हुए हैं, लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि इधर बुल्ली भी इनके पास आ चुका है। और अरे ये तो अपने बाबा भी इसके साथ में आ रहे हैं, और लगता है बाबा ने अपनी नई सुपर कार ली है। लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि बाबा ने ये कार सेकेंड हैंड खरीदी है। बाबा बुल्ली से कहते हैं कि ये देखो बुल्ली, गाड़ी तो इन्होंने यहीं पर लगाई है। मुझे लगता है कि गुल्ली और शॉन यहीं कहीं रुके हैं। बुल्ली कहता है कि वो देखिए बाबा, वहां कुछ घर बने हुए हैं, शायद वो लोग उधर ही रुके हैं, आप गाड़ी उधर ले चलिए। तभी शॉन ऊपर जीप में बैठे हुए बुल्ली को देख लेता है और गुल्ली से कहता है कि गुल्ली वहां देखो, उस जीप में तो बुल्ली बैठा हुआ है, और बुल्ली बाबा को साथ लेकर आया है। इसे देखकर तो शॉन, जॉर्ज और गुल्ली
बेहद खुश हो जाते हैं। और इधर बुल्ली ने भी इनको देख लिया है। बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा वो देखिए, हमने उन्हें ढूंढ लिया। और बाबा अपनी गाड़ी सीधा इनके पास ही लेकर आ जाते हैं। और बाबा और बुल्ली दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। और इधर डॉक्टर डी और वो राक्षस नीचे से सारी चीजें देख रहे होते हैं। बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा यही दोनों हैं वो जिन्होंने हमें बहुत परेशान किया है। शॉन भी कहता है कि बाबा इस राक्षस ने तो बहुत मारा था जॉर्ज को, इसको छोड़ना नहीं। और तभी बाबा को काफी गुस्सा आने लगता है और बाबा के कपड़े काले पड़ने लगते हैं, बाबा की आंखें लाल होने लगती हैं। शायद बाबा अपने एक्सट्रीम मूड में आ रहे हैं। बाबा को ऐसे आता देखकर डॉक्टर डी बहुत गुस्से में आ जाता है और डॉक्टर डी उस राक्षस से बाबा पर हमला करने को कहता है। डॉक्टर डी की बात मानकर वो राक्षस बाबा की तरफ ही कूद पड़ता है। लेकिन अरे, ये तो बाबा ने एक ही लात मार के उस राक्षस को ढेर कर दिया। लगता है बाबा ज्यादा ही गुस्से में है आज। बाबा को इतने गुस्से में आता देखकर शॉन बाबा से कहता है कि बाबा मेरी बात सुनिए, ये समय लड़ाई का नहीं है। लेकिन अरे ये क्या, ऐसा लगता है कि बाबा तो शॉन की बात सुन ही नहीं रहे। बुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा एक बार शॉन की बात तो सुन लीजिए। तो बाबा शॉन की तरफ देखते हैं। शॉन कहता है कि बाबा हम चारों लोग इस चक्कर में 2-3 दिन से फंसे हुए हैं और हमने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं है। हम लोग बस यहां से वहां भाग ही रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमें किसी सुरक्षित जगह छोड़ दीजिए या किसी के घर में हमें आराम करने के लिए ले चलिए, क्योंकि अब ये मुझसे और नहीं सहा जाता, मैं बहुत थक चुका हूँ। बेचारे शॉन की ये बात सुनकर बाबा बहुत दुखी हो जाते हैं और बाबा अपना गुस्सा थूक देते हैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है शॉन, मैं तुम लोगों को मेरे ही नए वाले घर पर ले चलता हूँ, वहाँ तुम लोग सेफ रहोगे। तब गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा क्या आप हमें वहाँ छोड़कर दोबारा यहाँ वापस आएंगे? तो बाबा कहते हैं कि इनको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा गुल्ली, बहुत शेर समझ रहे हैं ये लोग अपने आप को। खैर तुम लोग चिंता मत करो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। चलो पहले तुम लोगों को घर छोड़कर आता हूं, फिर इन दोनों को देखता हूं। और बाबा उन सभी को लेकर रोड तक आ जाते हैं। बुल्ली कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं बाबा, मतलब हमें आराम करने कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया तो था बुल्ली, मैं तुम लोगों को अपने नए वाले घर पर लेकर जा रहा हूँ। मैं अभी उस घर पे रहता नहीं हूँ, लेकिन वो तुम लोगों के लिए बिल्कुल सेफ है, तुम लोग जब तक चाहो वहां पर आराम कर सकते हो, और तब तक मैं इधर इन दोनों को ठिकाने लगाने आ जाऊंगा। ये चारों लोग बाबा के साथ बात करते हुए जा रहे हैं। शॉन कहता है कि बाबा घर पहुंचने के बाद मुझे खाना कौन बनाकर देगा, मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना शॉन, घर पे सारी सुविधाएं हैं। और तुम लोगों को घर पे छोड़ने के बाद मैं तुम लोगों के लिए घर पे एक डॉक्टर भी भेज दूंगा, अगर कोई तकलीफ हो तुम लोगों को तो तुम उसे बताकर दवा ले लेना। वहां पहुंचने के बाद
ये लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम लोग यहां आराम करो। जॉर्ज बाबा से कहता है कि बाबा यहां पर टीवी है क्या, क्योंकि मुझे अपना एक सीरियल देखना है। शॉन कहता है कि हाँ बाबा, मुझे भी टीवी देखे हुए बहुत समय हो गया है। तो बाबा शॉन से कहते हैं कि यहां सब कुछ है शॉन, तुम लोग यहां आराम से अंदर जाओ और खाना ऑर्डर करके आराम से टीवी देखना। और हाँ, मेरे आने से पहले कोई भी यहां से बाहर मत निकलना। बुल्ली कहता है कि बाबा क्या आप किसी डॉक्टर को यहां भेजने वाले हो, हम सबकी तबीयत चेक कर लेगा वो। बाबा कहते हैं कि हाँ बुल्ली, मुझे अगर कोई अच्छा सा डॉक्टर मिलता है तो मैं यहां पर उसे जरूर भेजूंगा, तब तक मैं चलता हूं, जरा उन लोगों को मजा भी तो चखाना है। और बाबा वहां से जाने लगते हैं। बाबा के जाते ही बुल्ली कहता है कि अच्छा ये बताओ, क्या तुम लोगों में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब कहीं चोट या फिर घाव तो नहीं है ना। शॉन कहता है कि नहीं बुल्ली, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन गुल्ली कहता है कि मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द है बुल्ली, लगता है इस भाग दौड़ी में कहीं चोट लग गई है मुझे। लेकिन अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी शॉन की नजर उस घर की छत पर पड़ती है और शॉन वहां किसी परछाई जैसी चीज को देखता है और इन लोगों से कहता है कि गुल्ली बुल्ली वहां छत पर देखो, वहां पर कोई है। लेकिन जैसे ही वो उसे दोबारा देखता है तो वहां से वो चीज गायब हो चुकी होती है। तभी गुल्ली कहता है कि शॉन मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में नहीं, दिमाग में चोट आ गई है। और शॉन की बात पर ध्यान ना देकर ये सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अरे, ये तो डॉक्टर डी और वो राक्षस इनके पास ही पहुंच चुके हैं और ये लोग यहीं पर छुपे थे, तो आखिर बाबा कहां गए? डॉक्टर डी और ये राक्षस बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि अब जाके इनको गुल्ली बुल्ली, शॉन और जॉर्ज अकेले मिले हैं। और डॉक्टर डी आज इनको मारने के लिए बहुत बेचैन है। डॉक्टर डी उस राक्षस से कहता है कि अभी तक हम इन लोगों को मार चुके होते, लेकिन सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से ये लोग अभी तक जिंदा हैं। तो डॉक्टर डी का जवाब देते हुए वो राक्षस कहता है कि मेरी क्या गलती है मालिक, वो लोग तो बस इधर उधर भाग रहे थे मुझसे, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इतनी तेज मैं नहीं भाग सकता। डॉक्टर डी कहता है कि अगर तुमने अपना काम सही से नहीं किया इस बार तो इनके साथ साथ आज मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो राक्षस कहता है कि आज इन लोगों की आखिरी रात है, मैं इन लोगों को आज खत्म करके रहूंगा। लगता है डॉक्टर डी और ये राक्षस आज काफी गुस्से में हैं और आज ये गुल्ली बुल्ली, शॉन और जॉर्ज को खत्म करके ही रहेंगे। लेकिन शायद इन्हें ये नहीं पता कि इनके पीछे इनके दादाजी आ चुके हैं, यानी कि अपने बाबा। और इधर गुल्ली बुल्ली बहुत थक चुके हैं और घर के अंदर आराम कर रहे हैं, और शॉन और जॉर्ज इधर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं। बुल्ली शॉन से कहता है कि शॉन तुम तो बाबा से कह रहे थे कि तुम लोग बहुत थके हुए हो और तुम्हें आराम करने की जरूरत है, लेकिन तुम तो यहां आकर गेम खेलने लग गए। शॉन कहता है कि बुल्ली मुझे गेम खेले हुए बहुत समय हो चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा कंप्यूटर में गेम खेल लिया जाए। जॉर्ज कहता है कि ये सब तो ठीक है गुल्ली बुल्ली, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि बाबा के घर पे कंप्यूटर क्या कर रहा है, मुझे तो लगा था कि बस टीवी होगा यहां, लेकिन बाबा के पास तो पूरा गेमिंग सिस्टम है।
गुल्ली कहता है कि बाबा बहुत बड़े गेमर हैं जॉर्ज, ये सब उसी का नतीजा है, बहुत सुपर चैट आते हैं बाबा को। और बाबा मुझसे कह रहे थे कि उससे बहुत अच्छी कमाई हो रही है उनकी। 10 दिन पहले ही उन्हें किसी ने 50 रुपये भेजे थे और उसका हमने और बाबा ने बर्गर भी खाया था। तब जॉर्ज शॉन से कहता है कि मैं भी अब आराम करने जा रहा हूं शॉन, मुझे नींद आ रही है। इधर बाबा डॉक्टर डी और उस राक्षस को नीचे से देख रहे होते हैं और लगता है बाबा काफी गुस्से में हैं। और ये लगा दी बाबा ने जंप, और अरे ये क्या, बाबा ने तो उन दोनों को छत से नीचे धक्का दे दिया है। और डॉक्टर डी और वो राक्षस नीचे गिर जाते हैं। ये दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर ये दोनों नीचे गिरे कैसे, और फिर ये दोनों खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर डी कहता है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो राक्षस डॉक्टर डी से कहता है कि नहीं नहीं मालिक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं जो आपके साथ मैं ऐसा करूं। लेकिन डॉक्टर डी बहुत गुस्से में होता है और डॉक्टर डी बिना कुछ सोचे समझे ही उसको मार देता है। और अरे ये तो बाबा ये सब ऊपर से देखकर हंस रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब बाबा का ही प्लान था। लेकिन बाबा बहुत खुश लग रहे हैं। और तभी बाबा बिना कोई समय गंवाए दोबारा हवा में जंप करते हैं और अपनी तलवार से डॉक्टर डी के 2 टुकड़े कर देते हैं। बेचारे डॉक्टर डी ने जैसे अपने साथी को मारा था, ठीक वैसे ही बाबा ने इसको मारा है। और बाबा इन दोनों को ठिकाने लगाने के बाद घर के अंदर चले जाते हैं। बाबा को अंदर देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और शॉन बाबा से कहता है कि आप ठीक तो हैं ना बाबा, और उन दोनों का क्या हुआ, क्या वो दोनों भाग गए या आपने उन लोगों को निपटा दिया है? जॉर्ज शॉन से धीरे से कहता है कि शॉन कहीं ये वो राक्षस ही तो नहीं है ना, क्योंकि वो बार बार रूप बदल कर आ जाता है, कहीं इस बार वो बाबा का रूप बदल कर तो नहीं आया है? बाबा कहते कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं असली बाबा ही हूं, और उन दोनों का तो मैंने गेम बजा दिया, दोनों की लाश बाहर ही पड़ी है, चाहो तो जाकर देख लो। गुल्ली कहता है कि बाबा वो दोनों यहां पर कैसे आए? तो बाबा गुल्ली से कहते हैं कि गुल्ली जब मैं उन्हें ढूंढने उन घरों की तरफ गया था तो वो लोग वहां थे ही नहीं, तो मैं जल्दी से वापस आ गया यहां, और यहां आते ही मैंने उन्हें निपटा दिया। खैर अब चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, चलो इसी बात पर हम सभी लोग कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं, और जो भी मुझको हराएगा उसको मैं एक नया आईफोन दूंगा। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत पता चल जाए।